वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इंग्लैंड को हराकर इस इवेंट में जीत का छक्का लगा दिया है। 230 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। सभी बड़े नाम पूरी तरह से फ्लॉप रहे और इस झटके से इंग्लैंड की टीम पूरे मैच में उबर नहीं पाई और इंग्लैंड को एक और हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो गया है। वर्ल्ड कप 2023 में आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। श्रीलंका ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी थी, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी अफगानिस्तान को 8 विकेट से जीत मिली थी। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी की और टीम इंडिया की जीत की इबारत लिख दी। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स और मोइन अली को सस्ते में आउट करके इंग्लिश टीम को पीछे धकेल दिया। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं शुभमन गिल 9 रन और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक के बीच बैटिंग करने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में विराट कोहली से सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में जैसे ही 47 रन बनाए, उन्होंने इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे कर लिए। वे ऐसा करने वाले भारत के 5वें और दुनिया के 20वें बल्लेबाज बन गए। बतौर कप्तान रोहित शर्मा का ये 100वां इंटरनेशनल मैच था। उन्होंने साल वनडे क्रिकेट में 1,000 से भी ज्यादा रन पूरे कर लिए। श्रीलंका की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 के बीच में एक बड़ा झटका लगा है। लहिरु कुमारा चोट की वजह से पूरा टूर्नामेंट से बाहर हो गए और उनकी जगह दुष्मांता चमीरा को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इससे पहले एंजेला मैथ्यूज की भी टीम में एंट्री हो चुकी है। सुनील गावस्कर ने भारतीय खिलाड़ियों को अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आप बस जीतना चाहते हैं, भारत को सिर्फ अगले मैच पर ध्यान देना चाहिए और बस इतना ही है। बस आगे की मत सोचो, आप बस एक एक मैच के साथ आगे बढ़े। अभी नॉकआउट चरण के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, बस इंग्लैंड टीम के बारे में सोचिए, भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य अपना ख्याल खुद रखेगा। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने नीदरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के लिए पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ क्योंकि हम दोनों के बीच मतभेद थे। इस विवाद का असर टीम पर पड़ा, ये सही नहीं है। आप नहीं जानते कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है, लेकिन मैं इस बात को झुठला नहीं सकता हूं कि तमीम के साथ विवाद का हम पर असर नहीं पड़ा होगा। हम बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप का बांग्लादेश का अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान टीम ने 27 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें उसे 1 विकेट से करीबी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में हार के बाद अब पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम पर स्लो ओवर रेट के चलते मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 2 में जीत मिली और 4 में उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा।